पे अक्सर पिंपल हो जाते हैं, हम उसे किसी न किसी तरीके से ठीक कर लेते हैं, पर उसके पीछे से जो इसके चिट्टी निशान आते हैं उसे ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। डोंट वरी, आज मैं आपको एक बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसे आप अपनी स्किन पर डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर, ये प्रॉब्लम टीनेज ग्रुप को ज़्यादा होती है, पर डोंट वरी, जो आज की रेमेडी है हर एज ग्रुप और हर तरह के निशान पर यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इसे लगाना कैसे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं यहाँ पे ले रही हूँ हनी, यानी कि शहद। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो ना कि आपकी पिंपल को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं बल्कि आपको हेल्प करते हैं क्लियर और ग्लोइंग स्किन देने में, और आपके मार्क्स को भी हल्का करते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेमन। लेमन ही एक ऐसी चीज़ है जो हनी के साथ मिलकर कितना भी पुराने से पुराना मार्क्स वाने क्यों ना हो, वो झट से ख़त्म करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो जितना मैंने शहद लिया है उतना ही मैंने नींबू लिया है। अब आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है। ये ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपा होगा ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, बट आप ये समझ लीजिए मेडिसिन है आपके लिए। आप हमेशा कोशिश करें कि इसे फ्रेश बनाकर ही अपने फेस पर लगाएं ताकि जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छा मिले। चलिए बताती हूँ इसे लगाने का तरीका क्या है। एक कॉटन पैड लें, इसको इसमें डिप करिए और अपने फेस पर इसे लगाएं। इसे लगाने की कोई लिमिट नहीं, जैसे आप कोई दवाई लेते हो, ये तो फिर भी घर से बना हुआ नेचुरल चीज़ है। हमेशा आप कोई भी क्रीम आप यूज़ करते हो तो भी तो आप देखते हो 15 से 20 दिन रिजल्ट के लिए, तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखो। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप अपना फेस वॉश करोगे इसके बाद आप इसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना। इसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना। इसे आपको डेली यूज़ करना है, एक वीक बाद डेफिनेटली आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जी हाँ, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।